तुम्हारा सैलरी हम डाल देंगे, सैलरी बांध देंगे तुम्हारा, ठीक है? जब भी चीज़ है नेचुरल चीज़ है, ठीक है? हम लोग डस्की हैं तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हम लोग डस्की हैं। हाँ, तो हम लोग नेक नंबर, ये बैग ना गले ना घुले, एकदम सुखा रखे, देखो एकदम मजबूत, ठीक ना? Hey guys, welcome back to my new vlog. So I hope आप सभी अच्छे होंगे, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मेरा बाल और ज़्यादा कटिंग हो गया है, हम छटाने गए थे तो ज़्यादा छाँट लिया, ठीक ना? सब तरफ हम रहते हैं आईब्रो तक कीजिए तो क्या किया, सीधा किया भैया और आईब्रो तक किया तो उठ जा रहा है, इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, एक महीना में बढ़ जाएगा, इग्नोर करते हैं बाल को। और हम लोग का लगभग लगभग डेमो ख़त्म हो गया है और इन लोगों का हम मेकअप दिखाना चाह रहे हैं। लोग सैलून के पीछे तीन जन लगी हुई है। हाँ, तो वो भी ठीक ना? तो जो मिलाते हैं सबको इसे फिलहाल तो। और ये आज की हम लोग की मॉडल है। चलो नाम बताओ। मेरा नाम ज्योति कैथा है। ज्योति का कैथा, ज्योति कैथा, ज्योति कैथा, ओके। ये आज की हम लोग की मॉडल है और इसका जो रियल फेस है वो हम शॉर्ट्स में डालेंगे, आप लोग देख लेना। ये अभी फाइनल लुक है और ये हमारे तरह डस्की है, कलर में आप लोग देख रहे हो। और ये दीदी जो है अभी घर आ, दीदी हाँ बीमार है तो क्या होगा। ये दीदी हमारी कहाँ तो भुला गई जगह, 10 माइल जगह के कुलुंडू की है और वही ना 10 माइल जगह ना, हाँ यस। तो ये थोड़ा सा पीछे से एडमिशन ली थी तो हम नहीं दिखाए थे इनको, उनका क्लास स्टार्ट हो चुका था उसके बाद आप आए हो। तो ये डस्की स्किन में नहीं देखी थी, सो हम लोग डस्की स्किन में मेकअप इन्हीं को, इन्हीं के लिए हम लोग किए थे। और इधर जो है सेरोन, आज मॉडल इनकी मॉडल बनी है और लगभग लगभग डेमो ख़त्म हो गया, क्लास ख़त्म होने वाला है, सर्टिफिकेट देने वाले हम लोग। तो ये इन लोग का फाइनल फिनिशिंग, अभी तक का प्रैक्टिस अभी बाकी है, 2-4 दिन फिनिशिंग और हो जाएगा। बनकर सेरोन आँख, हाई मेकअप बहुत बढ़िया, कंटूरिंग नाक का बहुत बढ़िया, ब्लशर बहुत बढ़िया, हल्का हल्का की है, मस्त लग रहा है। जैसे कि आप लोग को पता है सैलून का थोड़ा सा ये हल्का सा कम है, वो नेचुरल है, हम लोग का भी किसी किसी का कोई परफेक्ट नहीं होता, तो इसको बस हम लोग थोड़ा सा कलर किए हैं जो कि अभी बहुत अच्छा बनाई है। अभी हेयर कर रही है लोग प्रैक्टिस और हमारी मेहंदी वाली लोग को भी थोड़ा दिखा देते हैं। ये लोग जैसे कि 1 साल से क्लासे कर रहा है, आप लोग जैसे कि देख रहे हो हर ब्लॉग में ये लोग नजर आती है, 1 साल से लोग क्लास कर रही है। तो मेरी स्टेला का भी 6 महीना हो गया है तो, और इन लोग 1 साल से और इधर इन लोगों का फिनिशिंग देखिए, फिनिशिंग जैसे कि शीतल दी तो प्रो हो गई है, हमको भी पार कर दी है। इनका तो अभी रेगुलर प्रैक्टिस भी है, मेरा तो प्रैक्टिस भी छूट रहा है, तो ये लोग हम मेरी मास्टर नहीं बनने वाली अभी 2-4 महीना के बाद है ना। और हमारी अस्मिता तो 1 साल से क्लासे कर रही है, क्या अस्मिता सीख जाएगी और 1 साल में ना? अस्मिता 3 साल में सीख जाएगी, अच्छा चलो ठीक है। इसको ज़्यादा जले भी नहीं बना दिए, स्पेस ज़्यादा नहीं छोड़ दिया है, कुछ खाना चाहिए ना, ठीक है। तो ये मेरी स्टेला कौन बनाई है, हाथी घोड़ा पार की, समझ रहे हैं कितना बड़ा है, जिससे कि मेहंदी नहीं निकल रहा है, तो ये तुम ही लोग बनाओ इसे। तो इतना बड़ा बनाने से जो है मेहंदी कौन जो है छेद बंद हो जाता है, निकलेगा भी नहीं, जो कि अभी धीरे धीरे ये लोग सीख जाएगी। और जो कोई भी एडमिशन कराना चाहता है, मार्च महीना का, इस महीने का लास्ट क्लास शुरू होगा, ज्वाइन करना है आप लोग कर सकते हो। बाकी तो लोग बालूल बना लेगी फिर दिखाएंगे। ओ आप आईना देखे ना, कैसा लगा मेकअप? अच्छा लगा। अब तुम परमानेंट मेरी मॉडल, ठीक ना? तुम्हारा सैलरी हम डाल देंगे, सैलरी बांध देंगे तुम्हारा, ठीक है? जब भी मेरा बैच का होगा तो हम लोग देखो, अब जो नेचुरल चीज़ है नेचुरल चीज़ है, ठीक है? हम लोग डस्की हैं तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हम लोग डस्की हैं। हाँ, तो हम लोग डस्की हैं तो हम लोग को भी हक है अच्छे दिखने का, ठीक है? तो इसलिए तुम जब भी डस्की हमको दिखाना होगा ना डेमो, तो तुम आना। हाँ, इसको जोर से ले जाना, इसको इसको ये भी है, ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है।
बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ तो वहीं जाना। तो मेरा घर में 12 बजे से कुत्ता बिल्ली सब फेंका के सो रहता है ना, पो बांडा जैसा मोटा दिख रहा है और इधर ये भी ऐसे ही फेंका के सो रहते हैं। तुमको हम नहीं उठा रहे हैं। हाँ तुम ही को दे, खाना रखा हुआ है खाओ, दूध भात नहीं खाओगे तो क्या देगा, कोई कुछ नहीं देगा है? और आज हम लोग बनाए हैं हुटार बहा और कटई गुंडा, जो कि मेरे स्टूडेंट लोग को खाना था, क्योंकि ढेर दाल दाल खा खा के वो लोग भी अनसार हैं बोली, इसलिए हम गुंडा बना दिए हैं। और ये है क्या सब्जी है, कोहना। इधर क्या सब्जी है, ये सुबह का सब्जी है, नाश्ता में बनाए थे, सेम 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 है, चलो। और ये हम जो खरीदे हैं ना, वो बैगनी कलर का बंधा गोभी, वो हम इसको सलाद बनाए हैं, वो लोग बोला था कि हम लोग सलाद के सलाद बनता है, इसे बोल के हम सलाद बनाए हैं। पापड़ तलना है, खाना बांटते बांटते मेरा तेल गरम हो जाएगा। तो क्लास हो गया खत्म, थोड़ा सा लेट हो गया क्लास खत्म करते करते, कहे कि बच्चा लोग को हम मेहंदी भी लगा दे रहे थे। और अभी हम और मेरे रिश्तेदार जा रहे हैं चौक, क्योंकि कल तो सकेंगे नहीं क्योंकि कल तो एग्ज़ाम है, और चौक में इसलिए जा रहे हैं कि हम दो तीन बाद में जो है कलकत्ता जाने वाले हैं, और हम जैसे कि मोटे हो जा रहे हैं, और वहाँ से बहुत दूर दूर की लड़की लोग आती है, और हम यहाँ जैसे नहीं रह सकते ना, वहाँ पर हमको अच्छा से रहेंगे, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा टॉप खरीद लेंगे रिलायंस ट्रेंड से, और भी दूसरे से कूपन उधारी मांग के जा रहे हैं, चेक नका वाली आंटी है ना उनसे हम उधारी मांगे हैं कूपन, जो कि अभी हम रास्ते में लेंगे और जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। और तो फोन चेक करने दो रही, पैसा थोड़ी इसी में पता चला, वहाँ जाके हाथ मारते रह जाएंगे। तो हम यहाँ इतना इतना हम ले लाए तो हैं ट्राई करने के लिए, अब देखते हैं अटता है कि नहीं, इतना मोटे जो हो गया। तो ये तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, मैया देखे अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत, मतलब ठीक है, ज्यादा लूज नहीं है, हल्का हल्का दबवा लेंगे ना साइड से। हाँ यार ये वाला सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है ना, छोड़ो बड़ा है कोई बात नहीं, इसी को ले लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, देखो ये भी अच्छा लग रहा है ना, नहीं आपको बनाएंगे ऐसे ही सब अच्छा लगता है ना, लो इसको डन करो, हाँ मस्त लग रहा है, एक नंबर। आज जो है हम लेट से गए थे बाजार, और इतना ढेर सारा साग मिला हमको, सस्ता 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 सस्ता, सुविधा सुविधा, इधर टमाटर प्याज साग, करेला 10 रुपये खेजा, शिमला मिर्च सब तो महंगा ही था, एक कद्दू 10 रुपये का, क्या बोलता है इसको, क्या बोलता है, बंधा गोभी। और इधर कितना मूर्ति जैसे बैठा है आज्ञाकारी मेरा, ना डिम्पी मुर्गी खाने समय तो आज्ञाकारी, ओह कसरत देखो कसरत, ओ बाबा। इधर देखिए 10 रुपये में 3 खेजा, और हम इसको नानी को बुद्धि बता रहे हैं कि अभी ये काट दें तो कल तो खराब हो जाएगा सब बोल के, अरे हम पहले जाते तो यही चीज 10 रुपये में 1 खेजा मिलता, वो कहाँ कहाँ चार चार रहे, ए पीलू जैसे घुस रहे हो जो किधर से, ये जो सूट देख रहे हैं आप लोग, ये मात्र हम 200 रुपये में खरीदे हैं आजियो से, उसमें मेरा पॉइंट था रिडीम किए और 200 रुपये हमको मिल गया सूट, और बहुत सुंदर सा है, पहनेंगे तो आप लोग देखना तो अंदर से ना, देखिए हम अभी खरीद के लाए हैं मॉल से, 900 रुपये का है और ये हमको 50% ऑफ, दबाना तो इधर से करना चाहिए बोलते हैं, हम नहीं जानेंगे बोलते, इतना अच्छा बैग को कैसे कोई छोड़ सकता है, 50% ऑफ दिया जानते हैं हमको, 50% हाँ मॉल में ना, कैसे छोड़ सकते हैं आदमी लोग मेरे लिए बताओ, और हम भी ऑफर वाला चीज़ सब नहीं छोड़ते हैं, दो टो बैग खरीदे, हाँ ये 30% बैग का जानते हो ना, वो शौकीन है,
इतना कपड़ा खरीदे हम, कूपन कूपन का चक्कर में इतना कपड़ा खरीद लिए, फिर भी और कूपन दे के हमको भेजाए ऐसे सब कलकत्ता जाने के लिए। देखो हाँ, इसके साथ भी अच्छा दिखेगा, है ना? अच्छा दिखेगा ना, इसके साथ ब्लैक के साथ ये भी अच्छा दिखेगा, और ग्रीन के साथ ये भी अच्छा दिखेगा, ये भी अच्छा दिखेगा। अदली बदली करके जो पहनेंगे हम, सारा कपड़ा नहीं लेंगे हम, आजकल सीख गए हैं कि कम कपड़ा लेके जाना चाहिए, बोझा बिस्तर सब इतना नहीं। जब हम ये गए थे ना, कहाँ गए थे, मेहंदी सीखने, अहमदाबाद, ओहो एक ट्रॉली ले गए थे कपड़ा, कुछ यूज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, मतलब इतना कम, खाली अलमीरा भर दिए हैं पूरा पूरा वहाँ, और पहने सिर्फ 4 या 5 टॉप जींस, बस उतने ही में मेरा वहां गुजारा हो गया था। तो इतना ही कपड़ा हम लेके जाएंगे, ज्यादा नहीं। तो किसको किसको खरीदना है बैग, तो हम ये बताना चाह रहे थे कि आदमी लोग ऐसे सोचता है कि मॉल में बहुत महंगा महंगा कपड़ा मिलता है, सोचता होगा, लेकिन सच बताएं तो हमको मॉल में महंगा नहीं लगता है। जैसे कि बैग, ठीक है, ये बैग ना गले ना घुले, एकदम सूखा रखे, देखो एकदम मजबूत, ठीक ना, मस्त कहीं हम एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, और ये जानते हैं इसमें प्रिंट कितना दिया हुआ है, 999, 999, और ये पता है हमको कितना में मिला, मात्र 499 में, मतलब कि 50% ऑफ था। बताओ ये बैग आप लोग मार्केट में जाओगे तो आप लोग खरीद लोगे 1000 रुपये 1500 में, हमको पता है, लेकिन मॉल इसलिए नहीं जाते हो कि बहुत महंगा आता है बोल के, लेकिन जबकि इतना मजबूत रहता है बैग, अभी भी मेरे पास है रिलायंस का बैग, सब फटा ही नहीं है, ठीक है ना, अभी दूसरा बैग, ये भी मस्त, ठीक ना, तो ये भी गले ना घुले एकदम सूखा रखे, अंशु अंशु ऐसे ही बोलती है। तो ये भी इसमें देखिए, इसमें लेदर का काम है, और ये बैग एकदम से बोरा वाला कपड़ा का है, यहाँ एम्ब्रॉयडरी किया है धागा से, तो ये भी हमको मिल गया 30 या 40%, मतलब ये भी 600 रुपये कपड़ा होगा हमको। तो बताओ कहाँ से महंगा हुआ है कि नहीं मेरी, जैसे कि लोकल में कैसे लेदर, अजीब सा लेदर रहता है, फिर भी लोग खरीदते हैं उसको 400 रुपये 500 रुपये में, लेकिन मॉल में थोड़ा अच्छा से घुस के आप लोग क्वालिटी चेक करके खरीदो तो ज़्यादा अच्छा हुआ, ठीक ना। तो ये आज का सीख हुआ आप लोगों के लिए। अभी फिलहाल जा रही किचन और खाना बनाएंगे, अभी क्या बनाएंगे पता नहीं, सुबह का प्याज साग है और क्या है करेला, वही खाएंगे, क्योंकि सुबह ना फुचका के चक्कर में कोई खाना नहीं खाया, और हम वही खाना खिलाने वाले लोग को। चलो